तो कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कोरोना को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार भी तरह तरह के एहतियात बरत रही है। जी हाँ, आज से शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में ये फैसला लिया गया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र की जनता से कहा है कि सतर्कता बरतना जरूरी है, पैनिक ना करें, घबराएं ना, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र तैयार है, कोरोना से लड़ाई के लिए महाराष्ट्र पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अभी फिलहाल पाबंदियां लगाने जैसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 जिसने कि चीन में तबाही मचाई हुई है वो फिलहाल नहीं पाया गया है। हालांकि देश में इस वेरिएंट के 5 मामले बताए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र फिलहाल से दूर है। साथ ही ये भी कहा है तानाजी सावंत ने कि एयरपोर्ट पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, चाइना से आने वाले लोगों पर, विदेशी यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। कोरोना को लेकर पूरे देश में इस वक्त हाहाकार एक बार फिर से मच गया है। सुनिए तानाजी सावंत ने क्या कहा है। नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अवेयर किया है कि जो अभी वेरिएंट मिला है, न्यू वेरिएंट इन से चाइना एंड अदर कंट्रीज, एज पर द से इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टर, 4 पेशेंट्स इंडिया में है, तो मैंने उनको बता दिया कि उनमें से एक ही पेशेंट महाराष्ट्र में नहीं मिला। एक बात, जो बात हुई कोविड की, तो उनके डायरेक्टिव्स पे हमने आड़ाव बैठक ले ली है और मैंने डिपार्टमेंट को अवेयर किया है कि बी रेडी फॉर टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। इसके लिए जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे या मेगा सिटी, मेट्रो सिटी महाराष्ट्र में, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी अभी है या नहीं है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है, वैक्सीनेशन की स्टेज क्या है, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स सबको अवेयर कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको जो डायरेक्टिव्स दिए है उसके मुताबिक बी अवेयर। इतना सिंपल था। नहीं, ये जो बात है, मैंने पहला मेरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो पर्यटक आउट ऑफ नेशन से हमारे यहाँ स्टेट में एयरपोर्ट में आ जाएंगे, इमीडिएटली जो रैंडमली टेस्ट करते थे वो लोग थर्मल टेस्टिंग, वो तो जो चाइना से आएगा तो 100% थर्मल टेस्टिंग करो उसका पहला, अगर जरूरत हो, अगर थर्मल टेस्टिंग में आपको कोई डिफेक्ट दिखा तो इमीडिएट उनको आइसोलेशन में रखो।